अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? तो अभी 9 बज रहे हैं सुबह के और मैं अपने लिए एग बॉईल कर रही हूँ और मैं आपको इज़ल दिखाती हूँ। कल वो सारी रात माशाल्लाह नहीं जागी फीड लेने के लिए, जागना चाहिए बट वो कल तक ही हुई थी शायद, और मैं भी ऐसे सोई हूँ तो हाँ मैं ये करने लगी थी। तो मेरे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि ऑलरेडी हो गए हैं 9:30, तो इसको मैं रिफ़िल करती हूँ इनमें, ये ट्रेवलिंग जो कंटेनर्स होते हैं, और हमने ये लिए डीजल के लिए एप्टिमल। ये एक्सपेंसिव है बट बहुत अच्छा मिल गया ये, तो आई थिंक ये कम है, हम पाकिस्तान से लाए थे तो काफ़ी कम है। तो चलिए मैं इनको रिफ़िल करती हूँ ना, फिर देखती हूँ क्या करना। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, जैसे नीडो की होती है ना उस तरह की है, तो बट ये मुझे बहुत, इसका रिव्यू मैंने बहुत पहले पढ़ा था तो फिर हमने कहा चले पाकिस्तान जा रहे अभी नहीं लेते, और जब वापस आ गए तो हमने कहा बस ले लेते हैं, इतना फ़र्क नहीं था, थोड़ा एक्सपेंसिव है बट सबसे बेस्ट फार्मूला मिल गया यहाँ पे यूई में। तो चलिए मैं इनको रिफ़िल करती हूँ और फिर बताती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो एजल को नहला कर सुला दिया मैंने, तैयार हो गई वो, और ये मैंने सारा किचन अभी साफ़ किया है, साफ़ करती हूँ मैं रोज़ाना बट थोड़ा डीप क्लीन किया है, और ये सारा एजल का सामान है, इसमें उसके एक्स्ट्रा कपड़े हैं, ये ब्लैंकेट है, ये उसकी बॉटल्स हैं, ये मिल्क है, ये भी हैं साथ में, ये भी है, ये तो पाकिस्तान वाला है, इसमें नया वाला डाला है, अब देखते हैं कैसा जाता है उस पर। तो ये इसका फीडर वाला पानी है, फीडर बनाने वाला, और ये गर्म पानी है, बहुत गर्म, इससे मैं शायद ही फीडर दूँ फिर काम आ सकता है। ये पावर बैंक है। तो ये सारा एजल का सामान हो गया, और मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ जो मैं पहनूँगी। आज मेरा बहुत लाइट मैं ड्रेस पहनने का दिल कर रहा है, जीन्स वगैरह नहीं, तो ये मैंने खाड़ी से लिया था जस्ट इन डॉल्स की वजह से, ये डांसिंग डॉल्स बनी हुई है, बिल्कुल प्लेन सा ड्रेस है बट मैं आपको इसकी बैग दिखाती हूँ, इस तरह का इसकी स्लीव्स हैं। और मैं आपको इसका बैग दिखाड़ गए, सारी एम्ब्रॉयडरी इसकी बैक भी हुई हुई है इस तरह की। ये मैंने लास्ट ईयर लिया था गाड़ी से बट पहना एक भी दफ़ा नहीं है, फर्स्ट टाइम, ये पाकिस्तान में पड़ा था, पाकिस्तान से मैं लाई हूँ तो फर्स्ट टाइम पहनूँगी। चलिए इसके साथ मैंने ये ट्राउज़र पेयर किया है वाइट वाला, ये तो चलिए जल सो रही है तो मैं जल्दी से नहा लेती हूँ, ठीक है? बाकी सारी पैकिंग हो गई, मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन एजल के सामान की लगी रहती है कि उसका कुछ ना भूल जाऊँ, बट ये मैंने साथ रख दिया है सारा सामान ताकि मैं भूल ना जाऊँ। इसमें एक्स्ट्रा कपड़े हैं, पैम्पर्स हैं, और ये इसके शॉपर्स हैं, ये पता है ये फ्रेगरेंस शॉपर होते हैं ये वाले, इससे परफ्यूम की स्मेल आती है, तो पैम्पर जब यूज़ हो जाता है तो इसमें डाल के मैं फेंक देती हूँ। तो बस सही है, मैं नहाती हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, 11:30 हो रहे हैं, अभी मैं अम्मी से बात कर रही थी, एक घंटा मैंने उनसे बात किया तो काफ़ी लेट हो गया, तो मैं जल्दी से नहा लेती हूँ उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो शावर मैंने ले लिया, मैं यहाँ पे हल्का पुल्का सा मेकअप कर रही हूँ, हल्का पुल्का नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है, और काफ़ी अरसे बात कर रही हूँ, काफ़ी टाइम बाद। तो अभी मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है न्यूट्रोजीना का, दूसरा मेरा पाकिस्तान रह गया है, उसके बाद ये पोर प्रोफेशनल कंसीलर लगाऊंगी बेनिफिट का, फिर लगाऊंगी सन ब्लॉक बॉडी शॉप का, उसके बाद लगाऊंगी फाउंडेशन मैक का, उसके बाद टार्ट, और इसमें से कोई एक कंसीलर लगा लूँगी फिटमी में, ये हाइलाइटर है, ये टेंट है, ये मस्कारा है बैड गर्ल बेनिफिट का,
और BTS टू फेस का, और ये कलर है एल्फ का ब्रश ऑन है। और ये मेबिलिन का पाउडर है। और ये आईज पे थोड़ा कुछ लगा लूँगी, आईलेट्स पे। ये जे ब्यूटी का मॉड स्कॉट पैलेट है, बहुत मज़े का, ये बहुत नेचुरल शेड्स हैं इसमें, हाइलाइटर्स है। और ये मैं आईलेट पे लगाती हूँ अक्सर, फिर ऊपर कोई ब्राइटनर लगा दूँगी, देखते हैं क्या करना है। ठीक है चलिए, मैं तैयार होती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, तो मैं तैयार हो गई, कपड़े मैंने पहन लिए हैं, ट्राउज़र और ये जूती भी पहन लिए, और बैग से मैं कैसे दिखाऊँ, सबर मैं हस्बैंड को पकड़ाती हूँ। मेरे बैग से ज़रा देखा ये शर्ट, कौन सी शर्ट? ये जो पहनी हुई है, चिड़िया घर है पीछे। एक्सक्यूज मी, तो हम सब तैयार हैं, बट कहते हैं कि लड़कियां ज़्यादा टाइम लेती है। ना 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 ना, नॉट इन माई केस। तो ये तैयार हो गई, बहुत मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से सारा सामान पैक हो गया है। और अच्छा, तो हम दुबई पहुंच गए, और मैंने अभी तक बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम खुरफाकान जा रहे हैं, और उसके बाद फुजैरा जा रहे हैं, और बस ये दुबई है। तो एजल को मैंने सुला दिया अभी, और दुबई तो मैं तीसरी दफ़ा दिखा रही हूँ शायद आपको, तो इधर मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रही मज़ीद, फिर मैं खुरफकान जाकर रिकॉर्ड कर लूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। एक्सपो है, एक्सपो 2020 ये वाला, मैकडोनल्ड रुके हम कुछ खाने पीने, क्योंकि 12 बजे निकले थे, लंच नहीं किया था। तो अभी हस्बैंड अंदर गए हैं, तो लंच कुछ बर्गर वगैरह ही लेंगे, ऑब्वियसली यही मिलता है। और मैं एजल को फीड कर रही हूँ अभी, क्योंकि वो बंदा कार में बैठा है, मुझे ऐसे देख रहा है कि ये बंदी क्या कर रही है। अच्छा, तो एजल को मैं फीड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अच्छा, तो हमारा ऑर्डर आ गया, ये आइसक्रीम है, कोक है, और इसमें बर्गर्स है। सारे हम खाते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। ये कौन सी जगह है? ये शारजा है, शारजा।
फगान सिटी स्टार्ट हो गई है, यहाँ से ये सिटी है। अच्छा सिटी नहीं है, छोटा सा टाउन है। ये अरेबियन सी है फुरफगान भी। कैमरे की तब ला रहे डाइविंग वगैरह के, इनको सही मज़ा आता है पानी में। हाँ डर लगता है मुझे, और एजल मेरी गोदी में ही है। ये बहुत प्यारी जगह है वाटरफॉल, और इसके सामने भी बीच है। इसकी पिक्चर मैंने देखी थी तो मैं हस्बैंड को दिखा रही थी कि यहाँ जाना है, तो वापसी पे ये जगह आ गई। बहुत मज़े का लगता है, और काफ़ी लोग पिक्चरिंग भी कर रहे थे यहाँ पे इस एरिया पे। ये वाला देखिए बहुत मज़े का लग रहा है, जैसे ये जैसे नहीं सच में वाटरफॉल है। बहुत मज़े की जगह थी ये खुरफकान। ये देखिए ये नीचे सी और ऊपर आसमान। ये भी अलग का बीच वाला। रात को पूरी बस्ती आबाद है। ये देखिए पठान नाच रहे हैं, डर हो रहे हैं। हाँ क्यूट यार, बहुत प्यारी जगह है ये वाली। अच्छा तो ये अब दीबा आ गए थे हम, खुरफगान के बाद दीबा आ गए थे। ये जो टाउन है मेरे हस्बैंड का फेवरेट टाउन है, तो वो कह रहे थे कि नहीं जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी लेट हो गए थे हम, बट स्टिल यार इतनी प्यारी जगह थी ना, इतनी प्यारी जगह, पुराने घर थे और बहुत मज़े का लग रहा था। और ये जगह यहाँ पे ओमान बॉर्डर है, एक साइड पे यूएई और दूसरी साइड पे ओमान, और आगे बॉर्डर पे रिकॉर्डिंग तो अलाउड नहीं थी, फिर भी मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर ली। मैं आपको बॉर्डर दिखाती हूँ। तो ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी है, कि खुरफा सारी जगहें प्यारी थी टू बी ऑनेस्ट। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये बॉर्डर है, दूसरी साइड पर ओमान है, इस साइड पर यूएई। यहाँ पर साफ साफ लिखा था कि आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, बट मैंने दिखाना था आप लोगों को यार ये बॉर्डर था। ये इलाका बहुत प्यारा था, बहुत ज़्यादा मज़े का था, क्योंकि यहाँ पे एक पुराना स्ट्रक्चर भी था, और ये जो नया बनाया हुआ ये साइड नई साइड थी, न्यू साइड थी। यहाँ पे सारे ब्रांड्स थे और बहुत अच्छा लग रहा था। आप देखें यहाँ पे ना बिल्डिंग्स थी ना कुछ, और बस प्यारा सा इलाका था यार। खुरफगान भी ऐसे ही था, और फुजैरा भी ऐसे ही है। ये तीनों बहुत प्यारी लगी हैं वैसे, टू बी ऑनेस्ट बहुत मज़ा आया।
ये देखिए ये एम्फीथिएटर है, इतना प्यारा बना हुआ है यार। हमारे पास टाइम नहीं है, और ना ये देखिए एम्फीथिएटर ओरफा खान, बहुत प्यारा है ये। और ये है हमारा पानी। शवरमा प्लेस अल्तबिया कैफेटेरिया। तो वैसे तो खोरफा खान से अबू धाबी 2 घंटे हैं, और हम स्पेशल फुजैर आए हैं, तो अब 4 घंटे लगेंगे हमें। ये है अल्तबिया। मेरी बेटी जा गई। अच्छा तो मैं ये बता रही थी कि हम 4 घंटे की ड्राइव करके इधर आए, और मज़ीद अब पता नहीं कितना चलना है। मैं इतना थक गई हूँ, टाइम हो रहा है 9:30। चलिए मेरी जान उठ गई, मैं इसको दूध पिलाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्पेशल शवरमा जिसके लिए हम आए हैं। हम बहुत ज़्यादा यमी है, बहुत ही ज़्यादा। उनके पास पैसे ख़त्म हो गए थे, पैसे ख़त्म हो गया था, बट ये बहुत मज़े का है, क्रिस्पी है ये। हम अबू धाबी एंटर हो गए, और अभी रहते हैं 43 मिनट्स, और टाइम है 11, और मैं व्लॉग को एंड करने लगी हूँ। तो बस मुझे दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, और अगर वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक करें। और एजल को नींद आ रही है, तो उसको मैं सुला देती हूँ, ये ब्लर क्यों हो रहा है। हाँ जी, तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।